10 में से 9 बार जब भी हमारे डॉक्टर जयशंकर सर कुछ कहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हेडलाइंस बन ही जाता है। एक तो इनका अंदाज और उसके ऊपर से जिस क्लैरिटी के साथ ये अपनी बात को रखते हैं, ना कि सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्ड लीडर्स भी इनके फैन हैं। रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जयशंकर सर यूनाइटेड नेशंस का कंपैरिजन एक ओल्ड कंपनी के साथ करते हैं, जहां पे इनका कहना था कि ये एक वैसे ही कंपनी है जो ना ही तो मार्केट के हिसाब से कुछ भी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और ना ही तो ये अपने कस्टमर्स का डिमांड को समझ रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं था जब डॉक्टर जयशंकर सर या भारत के द्वारा यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म की बात की गई हो। अगर हम बहुत ही आसान शब्दों में समझना चाहें कि आखिर में ये रिफॉर्म का मतलब होता क्या है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन होता है साल 1945 में, तब पूरे दुनिया में टोटल 50 कंट्रीज थे और आज साल 2024 में हम लोग हैं और जहां पे एज पर यूनाइटेड नेशंस पूरे दुनिया में टोटल 193 कंट्रीज हैं। साल 1945 भी टोटल यूनाइटेड नेशंस में 5 ही इसके परमानेंट कंट्रीज थे और आज भी इसके पास 5 ही परमानेंट कंट्रीज हैं, जिसमें यूएस है, चाइना है, रशिया है, फ्रांस है, यूके है। तो अगर आप इसी चीज को इन पांचों देश के पॉइंट व्यू से अगर आप देखना चाहेंगे तो इनके हिसाब से रिफॉर्म का मतलब हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। आज यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं, तो अगर किसी भी तरीके से रिफॉर्म होता है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कंट्रीज हैं उनका नंबर्स बढ़ जाएगा। तो इसका साफ मतलब होता है कि आज जिस तरीके से मनमानी या अपने अथॉरिटी को ये पांचों देश मिलके जमा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर इसमें रिफॉर्म होता है तो उस तरीके से इनका बोलबाला नहीं रहेगा। तो ये पांचों कंट्रीज बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं और इनके हिसाब से कभी भी यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसे बीच बीच में खबर आते रहते हैं कि फ्रांस ने भारत का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए वो प्रपोजल दिए हैं या सपोर्ट किए हैं या कुछ ऐसा ही कहा जाता है यूएस के द्वारा भी। लेकिन एक बात आप मत भूलिए कि भारत फ्रांस से भी बढ़ चढ़कर वेपन्स खरीदता है, यूएस से भी बढ़ चढ़कर वेपन्स खरीदता है। तो अगर किसी भी तरीके से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे फ्रांस हो गया या यूएस हो गया तो बहुत हद तक उनकी ये मजबूरी बन जाती है कि वो हमारे बारे में कुछ ऐसा कहे जिसको सुन के हमें काफी अच्छा लगे। उसके बाद जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर सर ने अपनी बात को रखा है, अगर आप इनकी बातों को बहुत ही डीपली एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूनाइटेड नेशंस को बनाने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव था वो बहुत ही साफ और स्पष्ट था कि किसी भी तरीके से दुनिया में ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका जाए। लेकिन अगर हम आज के डेट के बारे में बात करें तो जिस तरीके से इसराइल ईरान के बीच में टेंशन काफी बढ़ गया है, वहीं पे अगर हम बात करें तो इसराइल पैलेस्टीन का एक अलग ही मसला चल रहा। इस बीच बहुत बार ऐसा हुआ कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रपोजल लाया गया जहां पे इमीडिएट सीज फायर को प्रमोट किया गया, लेकिन ऑलमोस्ट हम कह ले हर बार यूएसए ने उस प्रपोजल को वीटो लगा दिया, यानी कि उसको रिजेक्ट कर दिया। तो यूनाइटेड नेशंस एक गवर्निंग बॉडी कम बन चुकी है और बहुत हद तक ये एक पॉलिटिकल अखाड़ा बन गई है, जहां पे किसी भी तरीके से अगर रशिया कोई प्रपोजल लाता है तो उसको फ्रांस रिजेक्ट कर देगा और किसी भी तरीके से अगर फ्रांस कुछ लाता है तो रशिया उसको रिजेक्ट कर देगा। तो अगर हम इसको लमसम तरीके से समझना चाहें तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने ग्लोबल प्रेजेंस या ग्लोबल पावर को दिखाने का एक बॉडी बन चुका है। अगर आप कोविड के टाइम पीरियड को याद करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये वही दौर था जब भारत ने लगभग 100 या उससे भी अधिक देशों को फ्री के कोविड के वैक्सीन्स बांटे थे। लेकिन अगर हम यूएस के बारे में बात करें तो यूएस के पास काफी सारे स्टॉक्स थे, लेकिन वो किसी भी तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज के साथ उन स्टॉक्स को शेयर करने से साफ मना कर दिया था। और उस वक्त भी जो यूनाइटेड नेशंस का बिहेवियर था या इनके जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स या ब्रांचेस हैं, ये भी ऑलमोस्ट खामोश बैठे हुए थे। और अगर हम साथ में बात करें तो ना ही सिर्फ यूनाइटेड नेशंस बल्कि इनके जैसे और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खास करके अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कमजोर देशों के ऊपर ही हावी होने के लिए बने हैं। जो आज का प्रेजेंट सिचुएशन हो रखा है, इसके हिसाब से कम भारत हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, कुछ आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज हो गए, कुछ मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हो गए, इनका पार्टिसिपेशन ग्लोबल प्लेटफॉर्म में होना बहुत जरूरी है। ऐसा लगता है कि बस ये 5 देश ही पूरे दुनिया के गार्जियन बने पड़े हुए हैं और किसी भी तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म नहीं करना चाहते हैं। और जहां तक बात किया जाए यूएस या कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में, तो उनको ऐसा लगता है कि ब्रिक्स हो गया या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये कुछ वैसे ग्रुप्स हैं जो कंप्लीट तरीके से वेस्ट को काउंटर करने के लिए बनाए गए हैं। तो यहां पे जो कहने का मतलब है वो ये है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज कोई ग्रुप को बनाते हैं तो उस ग्रुप को काफी पॉजिटिव तरीके से वो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वहीं पे अगर कोई एशियन कंट्रीज अगर कुछ इस तरीके का ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं तो उसको काफी
नेगेटिव तरीके से दिखाया जाता है। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें ब्रिक्स के बारे में या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ब्रिक्स में भी देखिए रशिया और चाइना का डोमिनेंस आपको साफ देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो वहां पे भी आपको चाइना और रशिया का डोमिनेंस देखने को मिलेगा। तो अगर आप बहुत ही न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप रह के चीजों को समझना चाहेंगे, तो आप ये समझ ले चाहे यूनाइटेड नेशंस हो गया या कोई और ऐसे ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशन हो गए जहां पे मल्टीपल देश उस ग्रुप के मेंबर हैं, अगर किसी भी तरीके से आपका देश मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता है या आपके देश का इकोनॉमी उतनी बड़ी नहीं है या एनी हाउ अगर आप अलग अलग देशों को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बना सकते हैं, तब कहीं ना कहीं आपको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इग्नोरेंस का सामना करना पड़ेगा। किसी भी ग्रुप का अगर मेंबर चाइना या रशिया होता है, तो एक चीज आपको समझ में आ जाएगा कि उस ग्रुप को ये सारे देश डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि एक तरफ अगर हम बात करें रशिया के बारे में, तो इनके पास इन टर्म्स ऑफ वेपन्स काफी कुछ होता है ऑफर करने के लिए, और वहीं पे अगर हम बात करें चाइना के बारे में, तो चाइना के पास बहुत सारे गुड्स होते हैं ऑफर करने के लिए। और कहीं ना कहीं इस चीज में हम काफी पीछे रह जाते हैं, जो कि हमें साफ दिखाई पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे सेंटर और हमारे स्टेट्स हैं, इनको मिल के काम करना पड़ेगा और बढ़ चढ़कर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई, तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।